अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ डाउन सेल। चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 7, डेट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और हम लोगों ने अब तक जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दोनों प्रोसेसेस और दोनों टाइप ऑफ द सेल्स को डिस्कस कर लिया है, डेट इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि डेली लाइफ में या इंडस्ट्रियल यूज़ इन सेल्स का क्या है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और जो फर्स्ट हम लोग जिसका यूज़ पढ़ रहे हैं डेट इज़ डाउन सेल। अब ये डाउन सेल क्या होता है? डाउन सेल इज़ अ सेल इन विच वी गेट द प्योर सोडियम मेटल। ठीक है, ये डाउन सेल एक ऐसा सेल है जिसमें हम लोग एक प्योर सोडियम मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरी चीप मटेरियल। ठीक है, किसी भी एक चीप मटेरियल से हम लोग जो है वो प्योर सोडियम मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं, और द चीपेस्ट मटेरियल इज़ द NaCl। ठीक है, तो NaCl की मदद की में से हम लोग सोडियम मेटल अलहदा करेंगे टू गेट द प्योर सोडियम मेटल। ठीक है, और ये प्रोसेस हो रहा है डाउन सेल के अंदर, एंड दिस इज़ एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हमने ये देखना है कि डाउन सेल के अंदर प्रोसेस कौन सा हो रहा है, क्योंकि हमने तो दो तरह के सेल्स पढ़े हैं ना, एक हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा है और एक हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा है। तो डाउन सेल के अंदर, डाउन सेल जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, मैं आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ इसकी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि वी प्रोवाइड द करंट, प्रोवाइडिंग करंट एंड केमिकल रिएक्शंस विल बी टेक प्लेस। ठीक है, आप इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो है वो केमिकल रिएक्शन होगा। अब चूंकि हम लोग इस केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए खुद से कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एजेंट डाल रहे हैं, और वो एजेंट कौन सा है हमारा, डेट इज़ अ करंट, तो इसलिए ये जो हमारा प्रोसेस होगा डेट विल बी द नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, सो इन अ डाउन सेल नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन विच द इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट द होल सब्सटेंस इन टू द न्यू सब्सटेंस बाय परफॉर्मिंग द डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। ठीक हो गया, तो अब अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो उसकी कंस्ट्रक्शन भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसी ही होगी, यानी कि हमारे पास कोई भी टैंक होगा या कोई भी सब्सटेंस होगा, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डिप होंगे, और डिप किसके अंदर होंगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ सोल्यूशन और द मोल्टन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डेट कन्वर्ट इनटू इट्स आइंस। ठीक है, सो दिस इज़ द इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे आएँ तो क्या होता है इसमें डाउन सेल की, अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूँ तो बेसिकली क्या होती है, एक हमारे पास राउंड टैंक होता है। ठीक है, राउंड टैंक है हमारे पास, और ये गोल होता है। ठीक है, जस्ट लाइक अ ड्रम, जैसे ड्रम होता है ना गोल, उस तरह का ही होता है। ठीक है, अब इस टैंक के अंदर बेसिकली होता क्या है कि इसमें डेफिनेटली उसके बाद हमने दो इलेक्ट्रोड्स डालने हैं, तो इसमें क्या है, दो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तो ये नट की शेप का एक बड़ा हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज द एनोड। ये जो है वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, ग्रेफाइट आपको पता है डेट इज़ अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कोल। ठीक है, सो ग्रेफाइट का बना हुआ है, एंड दिस इज़ द एनोड। अब चूंकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, और हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर प्लस चार्ज होता है बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक हो गया, अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोड डेट इज़ द एनोड। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होती है, जो कैथोड होती है वो आयरन का बना हुआ होता है, आयरन की एक पूरी शीट होती है जिसने इसको चारों तरफ से इस तरह से लपेटा हुआ होता है। ठीक हो गया, ये आयरन की एक पूरी शीट है जिसने इसको चारों तरफ से लपेटा हुआ है, और यानी कि उसके गेट्स राउंड है। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब इस ग्रेफाइट और इस आयरन इलेक्ट्रोड को अलहदा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जाली सी लगा देते हैं,
डूम की शेप की एक जाली लगा देते हैं। और इस जाली का क्या काम है, इस जाली का काम ये है कि जो भी एनोड पे सब्सटेंस है उसको कैथोड, एनोड तो आपके पास ये है और ये आपके पास क्या है, आयरन कैथोड। अब चूंकि ये एक ही बेजल में या एक ही बर्तन के अंदर है तो हो सकता है कि जो चीज़ें हमें एनोड पे ऑब्टेन हो रही हैं, जो चीज़ें हमें कैथोड पे ऑब्टेन हो रही है, वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएं। तो उनकी इस मिक्सिंग को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि एक जाली सी लगाई जाती है, ठीक है। और अब इसमें यहाँ से हम लोग एक टैंक सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही हम इसको बैटरी से के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ, जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे ना तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज़ तो रह गई कि ये इलेक्ट्रोड्स को हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करते हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट या कोई भी सोल्यूशन इस्तेमाल हो रहा है डैट इज़ द मोल्टन NaCl, मोल्टन या फिर फ्यूज्ड, ठीक है। फ्यूज्ड का मतलब भी क्या होता है, मेल्टेड, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो हम इसके अंदर फ्यूज्ड NaCl इस्तेमाल कर रहे हैं, मेल्टेड NaCl इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हम जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, जो मोल्टन NaCl हमने इसके अंदर डाला है वो मोल्टन NaCl कन्वर्ट इनटू इट्स आयन, यानी कि सोडियम आयन अलग हो जाता है, क्लोराइड आयन अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग दो अगर सोडियम के यूनिट ले रहे हैं तो दो सोडियम क्लोराइड और दो क्लोराइड आयन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ये जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयन्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब रिएक्शंस क्या होंगे, तो डेफिनेटली ये आयन्स हैं दे विल मूव टूवर्ड रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, यानी कि जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास चला जाएगा, जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास चला जाएगा, बिकॉज के ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अब इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर हमने चूंकि इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, इस इलेक्ट्रोलाइट में Na आयन भी प्रेजेंट है और Cl- आयन भी प्रेजेंट है। Na पे पॉजिटिव चार्ज है सो इट विल मूव टूवर्ड्स द कैथोड, और Cl पे माइनस चार्ज है तो माइनस जो है वो पॉजिटिव के पास जाएगा, यानी कि एनोड के पास, ठीक है। तो अब एनोड पे क्या होता है, हम लोग एनोड पे पहले रिएक्शन देख लेते हैं एट एनोड, और एनोड पे हमें पता है क्या चीज़ होती है, डेट इज़ द ऑक्सीडेशन होती है। तो जैसे ही यहाँ पे ये वाले क्लोराइड आयन यहाँ पे आएंगे, अब चूंकि ये ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होता है, डेट इज़ द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज ये इंडिकेट करा है इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हैं वो उसको रिमूव कर देंगे। क्लोरीन के ऊपर जो माइनस चार्ज लिखा हुआ वो वन लिखा हुआ, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस है। तो यहाँ पे मैंने कितने क्लोरीन के आयन्स लिखे हैं, टू। तो एक आयन से एक निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और टू आयन से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से टू इलेक्ट्रॉन्स हमें ऑब्टेन होंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो बाकी आपके पास दो न्यूट्रल क्लोरीन के एटम रह जाएंगे, ठीक है। और वो दोनों एटम मिलके क्या बना देंगे, Cl2, क्लोरीन प्लस क्लोरीन मिलके Cl2 बना देंगे। दिस इज़ अ एनोड रिएक्शन। अब कैथोड पे क्या होता है, एट कैथोड, और कैथोड पे हमें पता है क्या चीज़ होती है, डैट इज़ द रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब कैथोड पे कौन गया हुआ है, डैट इज़ द सोडियम। सोडियम हैज़ द प्लस चार्ज इन इट, प्लस चार्ज इंडिकेट इट हैज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स इसने निकाले हैं, ये दोनों सोडियम आयन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा एंड कन्वर्ट इनटू द सोडियम मेटल, ठीक है। तो अब चूंकि ये सारा प्रोसेस जो है वो मोल्टन स्टेट में हो रहा है, तो आपके पास ये जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी ये भी हमें मोल्टन फॉर्म मिलेगी। तो यहाँ पे ये कैथोड पे, यानी कि यहाँ पे आयरन के पास ये Na सॉरी मेटल जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम फिर बाद में सेपरेट कर लेंगे इस वाले टैंक के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये इस सीव का क्या काम था, इस सीव का काम ये था कि आपके पास ये जो सोडियम और क्लोराइड आयन्स मिले हैं, जब इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चले गए हैं तो वो आपस में दोबारा मिक्स ना हो पाए, इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग सीव लगाते हैं। अब बेसिकली क्या हो रहा है, सोडियम हमें यहाँ से ऑब्टेन हो गया, और यहाँ से एनोड पे, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिली है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो है वो बबल्स की फॉर्म में जो है वो ऑब्टेन होगी, क्योंकि ये सॉल्यूशन हमारा मोल्टन स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो लिक्विड के अंदर जब कोई गैस आती है तो वो बबल्स की फॉर्म में आती है। तो ये बबल्स जो मैंने ड्रॉ किए हैं डैट इंडिकेट द क्लोरीन। अब ऊपर से चूँकि एटमोसफियर ओपन होता है तो क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ से एमिट हो जाती है, ठीक हो गया। सो दिस इज़ अ होल प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारा क्या बनेगा, इसमें ओवरऑल रिएक्शन
और ओवर रिएक्शन का आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि जितने भी ये प्रोसेस होते हैं, रिएक्शन होते हैं, इन सबको हम लोग एडअप कर लेते हैं लेफ्ट साइड पर रिटर्न। तो फर्स्ट वन इज़ अ 2NaCl, मैं यहाँ पे 2NaCl लिख रही हूँ, ठीक है। प्लस नेक्स्ट इज़ अ 2 क्लोराइड आयन है। नेक्स्ट हमारे पास 2 सोडियम आयन है अलॉन्ग विद द 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस, यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, 2 सोडियम आयन है, 2 क्लोराइड आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन गैस है और 2 सोडियम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक ऐसी चीज़ें उनको कैंसिल आउट करते जाएंगे, अब देखिए ये क्लोराइड, ये सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके पास क्या इक्वेशन रही है, लाइक दैट 2NaCl ये रह गया है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एरो हेड आ जाएगा। 2NaCl गिव्स अस, यहाँ पे बाकी क्या रह गया हमारे पास, Cl2 एंड Na, 2Na एंड Cl2, ठीक हो गया। सो दिस इज़ ओवरऑल रिएक्शन, दिस इज़ ऑल अबाउट द डाउन सेल एंड दिस सेल इज़ यूज टू गेट द प्योर सोडियम मेटल बाय यूजिंग अ चीप सोर्स दैट इज़ NaCl। इज़ इट क्लियर? ओके, थैंक यू।